अरे इसका माथा तो बर्फ की तरह ठंडा है, अगर जल्दी से इसकी तेल की मालिश नहीं की तो ये मर भी सकता है। अरे बाप रे, ये तो लड़की है, अब क्या करूं? कीजिएगा, कल रात आपको बहुत सर्दी हो गई थी और आपकी जान बचाने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और ये मेरा फर्ज है कि जेल से भागे कैदी विजय को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूं। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर रजनी। तुम्हारा साथी कालिया कहाँ है जो तुम्हारे साथ जेल से भागा था? वो मेरा साथी नहीं था। झूठ मत बोलो। मैंने कसम खाई है कि तुम्हारे पूरे गिरोह को तबाह करके रहूंगी। ना ही मेरा कोई साथी है और ना ही गिरोह। ये बात सच है कि मैं जेल से भागा मुजरिम जरूर हूँ, लेकिन जब तक अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल नहीं कर लेता अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करूंगा। विजय मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं विजय, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चलो विजय, रुक जा, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। विजय
तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो, अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दो। रामवती? कौन रामवती? हम तो फूलमती है, चूड़ी बेचने वाली। चूड़ी बेचने वाली पिस्तौल नहीं रखती, हमें हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो रामवती। चलो 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 थाने चलो। ए, डरो मत, तुम लोग डरो मत, अगर अगर ये हिली तो फौरन इसको चला देना, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। ठीक है रजनी, जानकारी हासिल करने के लिए तेरा इस वक्त चुप रहना ही बेहतर है। क्या कैसा सोच रही हो? चलो चलो, ज्यादा सोचने का नहीं है, चलो जो भी सोचना है थाने में सोचो। चलो चलो जाओ, कमान कमान, अरे आप आहिस्ता, चलो चलो, हिलने का नहीं है। वाह हवलदार वाह, क्या खबर सुनाई है। तो रामवती पकड़ी गई। जी चाहता तुम्हारा मुंह शक्कर की बोरी से भर दूं, लेकिन क्या है कि तुम्हारा मुंह छोटा है और शक्कर की बोरी बड़ी है, इसलिए ये लो ठन्नी और बनिए कि यहां से जाकर गुड़ खरीद लेना और खा लेना। चलो चंदन कहीं चलते हैं। माय बाप सरकार, गजब हो गया, अब लुट गए, बर्बाद हो गए। लुट गए बर्बाद हो गए? चंदन सिंह ने तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है? जी नहीं, ये खुशखबरी आप ही के लिए। मेरे लिए? क्या खबर लाए हो? जी वो सरकार। ए, पानी में भीगे हुए कारतूस की तरह फुसफुस, जी मत कर, क्या खबर लाया है? सरकार, रामवती ने सारा गोदाम लूट लिया माय बाप। क्या ठाकुर साहब, ये झूठ बोल रहा है, रामवती तो थाने में बंद है। नहीं ठाकुर साहब, ये झूठ बोल रहा है, रामवती मेरी आंखों के सामने सारा गोदाम लूट कर ले गई। तू झूठ बोल रहा है, 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 तू झूठ बोल रहा है। इसका फैसला हम थाने में चलकर करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलो चंदन सिंह। ठाकुर साहब आइए आइए आइए, देखिए सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये कि रामवती भी पकड़ी गई और गोदाम भी लूटने से बच गए। जब कोई बेवकूफ अकलमंदों की महफिल में डींगे मारता है तो लोग कहते हैं वो देखो इंस्पेक्टर बलवंत आ रहा है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि गोडाउन भी लूट चुका है और लूटा भी रामवती ने। क्या? हाँ साहब, उसने ही गोली मारी। शट अप, रामवती यहां बंद है, आइए मैं अभी आपको दिखाता हूं, चलिए आओ। ये देखिए रामवती, हाँ है तो ये रामवती। हाँ साहब, हमने इस खतरनाक शेरनी को चिड़िया की तरह चुटकी बजाते ही पकड़ लिया। रामवती चक्कर तो तुमने चकरा देने वाला चलाया है, पहले अपने आप को आसानी से गिरफ्तार करवा लिया और गोडाउन से पुलिस का पहरा भी हटवा दिया और फिर अपने आदमियों के जरिए गोडाउन को लुटवा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी जान की खातिर हम एक तो क्या 10 गोडाउन भी लुटवा सकते हैं। आओ बलवंत। ठाकुर साहब, क्या आप मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद नहीं देंगे? वो तो हम देंगे बलवंत, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि रामवती को सजा हम देंगे। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप रामवती को मेरे आदमियों के हवाले कर देना। अरे बेटा, वो रामवती पकड़ी गई। कौन रामवती? बेटा तेरे जेल जाने के बाद वो बेचारी ठाकुर के जुल्मों से परेशान होकर डाकू बन गई थी, मगर इंस्पेक्टर बलवंत ने आज उसे फिर से पकड़ लिया और ठाकुर के हवाले करने वाला है ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन जज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर ताकत तो बढ़ा सकते हो। मतलब? अगर तुझे ठाकुर से टक्कर लेनी है तो रामवती को छुड़ाना ही होगा। हाँ ठीक है चचा, मैं ठाकुर से पहला बदला रामवती को उसके कब्जे से छुड़ा कर ही लूंगा। Thank you.
मैं तो रामवती को छुड़ाने आया था। रामवती के चेहरे पर लगा हुआ मेरा ये चेहरा ना जाने कितनों की अकल पर जूते बरसा रहा है। वैसे दूसरी बार जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या करूं, अपने फर्ज से बहुत मजबूर हूं, क्योंकि मैं रामवती नहीं रजनी हूं। आखिर आगे ने अपनी औकात पर, लोग ठीक ही कहते हैं, पुलिस वाले कभी किसी के नहीं होते। ये लोगों का नहीं, उन मुजरिमों का कहना है जो जुर्म करने के बाद भी अपने आप को बेकसूर समझते हैं और हमें अपना फर्ज अदा करने से रोकते हैं। अरे अगर फर्ज निभाने का इतना शौक है तो जाओ गिरफ्तार करो उस ठाकुर को जो जुल्म का बादल बनकर सारे गांव वालों पर बरस रहा है। हथकड़ियां डाल दो उस बलवंत सिंह के हाथों में जो सरकारी दाल में ठाकुर का नमक मिला के खाता है। काट डालो उस चंदन सिंह की जुबान को जिसकी झूठी गवाहियां इंसाफ की आंखों में धूल झोंक रही हैं। लेकिन तुम तो उनसे बढ़कर ऐसे भयानक मुजरिम हो जिसने अपनी ही बहन को। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, आगे कुछ मत कहना वरना मैं अपने आप पर काबू न रख पाऊंगा। इस इल्जाम का तेजाब जब भी मेरे कानों में डाला जाता है मेरी रूह जलकर तड़पने लगती है। सुनो इंस्पेक्टर, सुनो, मेरी भी एक बहन थी रूपा, जिसके खेतों में गांव वालों से सबसे अच्छी और दुगनी फसल होती थी। ठाकुर उस जमीन को खरीद कर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था, लेकिन हमने उसे धुतकारा। एक दिन जब मैं शहर से गांव वापस लौट रहा था तो मुझे पता चला कि मेरी बहन को ठाकुर के लोग उठा के ले गए हैं। मैं हवेली की तरफ भागा। तो तू जिंदा रहकर हाँ नहीं करेगी तो ठीक है, मैं तुझे मरने के बाद हाँ करवा लूंगा। चंदन सिंह कागज लाओ और लगा दो हर कागज पे इसके अंगूठे के निशान। नहीं करेगी, अब आज के बाद सारे खेत हमारे होंगे। ठाकुर, तुमने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ठाकुर, जान से मार डालूंगा, छोड़ दो। ठाकुर, मेरी बहन का खून पीने के बाद भी ये प्यासा है, अब मैं इसे तेरा खून पिलाकर इसकी प्यास बुझाऊंगा। खबरदार विजय, अगर हिलने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, खूनी तो ये लोग हैं इंस्पेक्टर जिन्होंने मेरी बहन का खून किया। इंस्पेक्टर देवता समान ठाकुर पे इल्जाम लगाता है, जब खंजर तेरे हाथ में है तो ये कैसे खून कर सकते हैं। खंजर दो, ले जाओ इसे, ले जाओ गिरफ्तार कर लो, ले जाओ, चलो। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं इंस्पेक्टर। बलवंत, इस लौंडे को कानून से ऐसी सजा दिलवाना कि इसकी जवानी का जोश बुढ़ापे की बेबसी में बदल जाए। और रही गवाही की बात, तो हमारी झूठी गवाही को कानून कभी नहीं झुटला सकता। और उसकी झूठी गवाही ने मुझे उम्र कैद की सजा दिलवा दी। मैं जेल से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भागा हूं। अगर अब भी ये तुम चाहती हो कि मेरी बहन का खून ठाकुर के दामन से धुलकर झूठी गवाही की कब्र में दफन हो जाए तो गिरफ्तार कर लो मुझे। हाँ, गिरफ्तार कर लो मुझे। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सच्चा साबित कर रहा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक तरीके से सबूत हासिल किया जा सकता है। कैसे? तुम्हारी शक्ल रामवती से बहुत मिलती है। अगर तुम रामवती बनकर चंदन सिंह पर हाथ डालो तो रामवती का यह डर चंदन सिंह को सच बोलने पर मजबूर कर देगा और सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, हम चंदन सिंह को अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचे।
मर जाऊंगा ठाकुर, मर जाऊंगा। मर जाओगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे मेरे खेतों में तुम सबको काम तो करना ही पड़ेगा। हम किसान हैं ठाकुर, अनाज पैदा करना हमारा काम है। चरस और अफीम की खेती करके जीवन की जगह हम मौत नहीं उगाएंगे। मौत नहीं उगाओगे तो मौत के मुंह में जाओगे। आज आखिरी बार पसीना पोंछ ले चंदन सिंह, क्योंकि ये पसीना मौत का पसीना है। नहीं नहीं रामवती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काश उस दिन तुमने वैसा ना किया होता तो रामवती आज ऐसा नहीं करती। रामवती ने हमसे पहले पहुंचकर सारी गड़बड़ कर दी। हाँ, ये तो चंदन सिंह को मार डालेगी। हाँ, कुछ भी हो रजनी, चंदन सिंह का बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां पहुंचकर सबको चक्कर मिटालती हूँ। ठीक है, तो मौका मिलते ही चंदन सिंह को उड़ा ले जाना। ठीक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामवती। नहीं चंदन सिंह, माफ करने का समय बीत चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रामवती। भगवान, एक रामवती क्या कम थी जो तूने दूसरी रामवती भी पैदा कर दी। कौन है तू? यही सवाल मैं तुझसे पूछती हूँ कि तू कौन है। मैं रामवती हूँ। रामवती तो मैं हूँ, तू पुलिस की भेजी हुई लगती है जो मेरे साथियों को गिरफ्तार करवाना चाहती है। झूठी तो तू है जो मेरे साथियों को बहका रही है। क्यों साथियों? हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमारा सरदार कौन है। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या अपने सरदार को नहीं पहचानते? कैसे पहचाने जब एक ही शक्ल के दो दो सरदार हमारे सामने? आखिर ये फैसला कैसे होगा कि हमारा सरदार कौन है? ठीक है, फैसला मैं करती हूँ। हम में से जो जिंदा बचेगी वही रामवती होगी, मुझे मंजूर है। मुझे कैसे मालूम होगा कि ये रजनी है? हाँ, यही रजनी है। तुम लोग
उस तरफ सरदार को देखो, मैं पुलिस को रोकता हूँ। साहब साहब, ये चिट्ठी पढ़िए साहब। हे भगवान, हे भगवान, तू हिमालय पहाड़ मेरे सर पे मार देता, मुझे मुझे भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ देता, लेकिन लेकिन ऐसी भयानक सजा न देता। अब क्या होगा साहब, क्या होगा? होगा क्या, क्या होगा? सिपाही किशन और हवलदार कन्हैया के आते ही ये थाना बन जाएगा पागलखाना। बेवकूफी की बातें करने वाले, तुझ पे लगी है किसी गधे की छाप। ये सब कहने से पहले ये मत भूलिए कि मैं हूँ बेटा और तुम हो मेरे बाप। मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा कोई पाप, इसीलिए इस जन्म में बनना पड़ा तेरा बाप। तो फिर देखते रहिए आप, लेकिन आज आपको बताना होगा कि हर महीने हम अपना तबादला इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने क्यों करवाते हैं। ये बात अगर तुझे बताऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा यूं? ए पिताजी, पिताजी, तुझसे हजार मर्दों का ड्यूटी पर मैं सिपाही किशन हूँ तो हवलदार का नहीं है। लेकिन पिताजी, ये ड्यूटी के वक्त हमेशा आप ये रिश्तों का कनेक्शन काट क्यों देते हैं? जनता की सेवा करने वाले अपना फर्ज निभाते हुए अगर रिश्तों का कनेक्शन रखेंगे तो जनता की भलाई के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे और जनता का बेटा गरक हो जाएगा। समझ गया? पिताजी, अगर मुझमें इतनी समझ होती तो मैं आपके घर पैदा क्यों होता, किसी राजा के घर जन्म लेता। मनहूस, अगर तू किसी राजा के घर में पैदा होता तो जानता है क्या होता? क्या होता? राजा को भी कंगाल कर देता। पिताजी, यही दुआएं तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ। लेकिन कबूल नहीं होती और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना तो मैंने तुझे तेरी माँ का दूध नहीं पिलाया था, तो फिर सांप के अंडे खिलाए थे। और सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो मगर नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे थैंक यू पिताजी। नहीं 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 पिताजी, सांप आप और नेवला में। ताली तू मार चुका है इसलिए तू सांप, मैं नेवला। पिताजी, अरे क्या साहब, दूसरों को गोली देने वाला खुद गोली खा रहा है। ये गोली मैं तुम दोनों के आने के गम में खा रहा हूँ। घबराइए मत साहब, बहुत जल्द आपका जहर खाने का वक्त भी आएगा। बंद करो ये बकवास। ये कहाँ गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब तुम दोनों को यहाँ से इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया तो मुझे इतना बता दो कि तुम लोग वापस कैसे आ गए? वो क्या हुआ साहब, आपने ऊपर वालों को रिश्वत देके हमको नीचे भेज दिया, हमने नीचे वालों को रिश्वत देके वापस ऊपर आ गए। लेकिन तुम्हारे पास रिश्वत के पैसे कहाँ से आ गए? उधर पूछो। वहीं से जहाँ से आपके पास आए। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से आए? खेत से, खलियान से, बूढ़े से, जवान से, पान की दुकान से, बनिए के मकान से और मुन्नी बाई की मुस्कान से। बकवास बंद करो, खामोश रहो प्लीज। मेरा बाकी है भी। शमशान में जलाए जाने वाले और कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन में भी तुम्हारा हिस्सा होता है। मेरा? और ये बात बेबुनियाद नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए सर। ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये उन हरामखोर नेताओं में से जो कुर्सी से फेवको लगा के चिपक के बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक की जनता इनको वोटों के जूतों से मार के उठाती नहीं है ऐसे। अपनी बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर से वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वापस करा दूंगा। मैं वापस आ जाऊंगा। हम फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ, हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। वापस सिर में गहरी चोट लगी, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी होश में आ जाएगी। अब कैसी तबीयत है रजनी? ओह, तो मेरी हमशक्ल का नाम रजनी है, तो फिर रजनी कहाँ गई? क्या सोचने लगी? हाँ कुछ नहीं, मगर उसका क्या हुआ? कौन, रामवती? हाँ वो तो भगवान को प्यारी हो गई। हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। हाँ, कल तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी समझता था, और आज मुझे ऐसा खुश नसीब कोई नहीं। ये मुझे रजनी समझ रहा है, अगर मैं इंस्पेक्टर रजनी बन जाऊं तो ठाकुर और बलवंत से मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी कि मैं कौन हूं। ये लीजिए भाई साहब। भाई साहब,
काफी दिन हो गए हैं। रजनी की ना कोई चिट्ठी मिली है और ना ही खबर। कहीं वो मुसीबत में न फंस गई हो। आपको खामखा वहम हो गया लक्ष्मी बहन। इस मर्तबा पहली बार वो खुफिया तौर पर किसी केस पर काम करने गई है। हो सकता है उसे अपनी खैरियत लिखने की फुर्सत ही ना मिली हो। लेकिन बहन, मुझे यकीन है कि वो जहां भी होगी, जैसी भी होगी, अच्छी होगी। अरे दीपू, माझे, शर्फू, जल्दी आओ, देखो सरदार को होश आ गया। सरदार रामवती जिंदाबाद। सरदार रामवती जिंदाबाद। सरदार रामवती जिंदाबाद। सरदार रामवती जिंदाबाद। जिंदाबाद। सरदार रामवती। खामोश। सरदार, कैसी तबीयत है आपकी? कौन हो तुम लोग? बेटी, ये सरदार कौन है और मैं कौन हूँ? बेटी, तुम इन सबकी सरदार डाकू रामवती हो। कौन रामवती? मैं किसी रामवती को नहीं जानती। मैं किसी रामवती को नहीं जानती। लेकिन बेटी, अपने आप को याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेट जाओ, लेट जाओ बेटी, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेट जाओ। भवानी सिंह, सर पर गहरी चोट लग जाने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। इसे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। भवानी सिंह, जिसके कारण हमारे सरदार की हालत हुई है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चुन 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 चुन
वो ना मिटेंगे कभी। प्यार प्यार है तो दिलों की सुबह, दर्द की दास्तां। ओ प्यार में जो भी मिटे हैं गोरी, वो ना मिटेंगे कभी। जान बचाने का शुक्रिया। एक बात पूछूं? भगवान के लिए ना मत करना। मैं मोहब्बत में धोखा खाकर भी जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारी ना सुनकर मर जाऊंगा। विजय। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। नहीं, ये प्यार तो उद्धार का प्यार है। मैं किसी और की झोली से गिरे हुए प्यार के सिक्के अपनी झोली में नहीं समेट सकती। माँ, ये तूने मुझे किस तरह पिलाकर खड़ा कर दिया है। मैं तो सिर्फ अपना इंतकाम लेने के लिए रजनी बनना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि विजय रजनी से इतना प्यार करता है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि रजनी मर चुकी है तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर। रजनी के धोखे में मुझसे प्यार कर रहा है, अपने प्यार के कातिल से प्यार कर रहा है। नहीं माँ, नहीं, मैं उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि प्यार जैसी पवित्र कामना का मुझ जैसी पवित्र आत्मा से मेल नहीं हो सकता। मुझे तो सिर्फ इंतकाम लेना है और इंतजार करना है उस गोली का पे मेरा नाम लिखा है। मैं जा रही हूँ माँ, उससे बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ माँ, बहुत दूर। रजनी, 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 भगवान का लाख लाख शुक्र है रजनी कि तुम मिल गई। लेकिन तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? ना तुमने अंकिल को कोई रिपोर्ट दी और न ही माँ को कोई खत लिखा। माँ? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती है। भगवान न करे तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो वो तो बेचारी जिंदा नहीं बचती थी। हे भगवान, ये क्या, बेटी तो मेरे हाथों से मारी गई, क्या मेरे कारण माँ भी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बेटी, क्या सोचने लगी? हाँ कुछ नहीं। अरे बेटी, माँ है तो चिंता तो करेगी ही ना, लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि रजनी जहाँ भी है बहुत अच्छी तरह है, खुश है। अच्छा बेटी, वो कालिया विजय, इनका क्या हुआ? और वो ड्रग सप्लायर जो था, क्या हुआ उसका? विजय बेकसूर है अंकल, और वो ड्रग सप्लायर है गांव का ठाकुर जागीर सिंह, और उसका साथ दे रहा है इंस्पेक्टर बलवंत। क्या, बलवंत सिंह? लेकिन कोई सबूत है? सबूत की ही तो तलाश है। अच्छा बेटी, अब बेहतर ये होगा कि तुम असली हालत में आ जाओ। असली हालत में? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफर ऑर्डर लेकर के आया हूँ,
कल से तुम सीतापुर पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालोगी और मैं अभी चलकर इंस्पेक्टर बलवंत की खबर लेता हूँ। रामवती आखिर मेरे डर ने तुम्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर ही दिया। हवलदार इस पे हथकड़ी डाल के इसे बंद कर दो। मैं हथकड़ियां पहनने नहीं, पहनाने आई हूँ इंस्पेक्टर। पहनाने आई हो? किसको पहनाने आई हो? रामवती मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, डाकू होकर अपने आप को पुलिस वाला समझती हो। बंद कर दो। इंस्पेक्टर बलवंती, स्टॉप इट सर। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा कुछ नहीं सर। ये एक बहुत खतरनाक डाकू रामवती। खामोश रहो। ये मेरी भतीजी इंस्पेक्टर रजनी है। आपकी भतीजी इंस्पेक्टर रजनी? लेकिन सर ये तो रामवती लगती है। रामवती लगती है। खामोश रहो। ये इंस्पेक्टर रजनी है और आज से इस पुलिस स्टेशन की इंचार्ज है और तुम इसके अंडर में काम करोगे। मैं इसके अंडर? हाँ सर। और इंस्पेक्टर, मैंने सुना है कि ठाकुर जागीर सिंह की सारी काली करतूतों में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। अरे नहीं नहीं सर, मेरा हिस्सा ठाकुर जागीर सिंह के साथ कैसे? खामोश रहो सर। अगर तुम सस्पेंड होना नहीं चाहते तो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो और खुद जाके उसे अरेस्ट करो। सर मैं ठाकुर जागीर सिंह को गिरफ्तार करूं? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे गिरफ्तार करने की बात सोच रहे हो? ठाकुर साहब, डीएसपी का सख्त ऑर्डर है कि मैं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके आपको गिरफ्तार करूं और अगर मेरे वर्दी पे आंच आए तो मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। ठाकुर जागीर सिंह की जागीर में ऊंची आवाज में बात करने वाले सैकड़ों लोगों का अंजाम तुम देख चुके हो। ठाकुर साहब, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? इंस्पेक्टर रजनी के तेवर बड़े खतरनाक हैं। तो इस खतरनाक हसीना की नाक हम काटेंगे। इस हसीना से कहो कि हम इससे मिलना चाहते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, बलवंत ने ठीक कहा था। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे रामवती ने डाकू का चोगा उतार कर इंस्पेक्टर की वर्दी पहन ली है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बात दरअसल ये, इंस्पेक्टर की जितनी तनख्वाह तुम्हें सरकार से मिलती है, हम उसे कहीं ज्यादा तुम्हें नजराने में पेश करना चाहते हैं। मुझे करना क्या होगा? हमारी इंक्वायरी की फाइल बंद कर दो और रामवती की जिंदगी की फाइल पर मौत का ठप्पा लगा दो। एक बात पूछूं ठाकुर साहब? पूछो। आपने शादी क्यों नहीं की? जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जब बाजार में दूध मिलता हो तो भैंस पालने की क्या जरूरत है? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आज आपकी कोई औलाद होती तो रामवती के हाथों मरते आपको इतना दुख नहीं होता। जबान संभाल कर बात करो इंस्पेक्टर, जो हमारी मौत की बात करता है वो बेमौत मारा जाता है। अरे आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जिस काम को पूरा करने के लिए मैंने ये वर्दी पहनी है उस काम को पूरा करके ही रहूंगी। मैं आज ही बलवंत के साथ रामवती को पकड़ने की प्लानिंग बनाती हूँ। हम इस सुनसान जगह में क्या करने आए हैं? मुझे आपकी प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आई। हमारी प्लानिंग अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती है बलवंत। हम यहाँ रामवती को पकड़ने के लिए आए हैं। क्या, रामवती को पकड़ने आई हो? क्यों, क्या हुआ? रामवती कोई कबूतरी नहीं है जिसे हम खाली हाथ पकड़ने आ गए। अरे रामवती को पकड़ना था तो हमें पूरी पुलिस फोर्स लानी थी। पुलिस फोर्स बना बनाया खेल बिगाड़ देती है बलवंत। खेल? कैसा खेल? वही खेल जो अब मैं खेलने वाली हूँ, चूहे और बिल्ली का खेल। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, इस खेल में तुम चूहे हो और मैं बिल्ली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रजनी नहीं रामपति हूँ। आप
डाकू राम, मैं तो आपको बहुत गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर समझता था, लेकिन लेकिन आप तो अच्छा मजाक कर लेती हैं। ये मजाक नहीं, हकीकत है बलवान। तेरी रिवॉल्वर मेरे पास है बलवंत। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ धोखे से लाई हो। धोखा तो तूने मुझे भी दिया था बलवंत, याद कर किस तरह से तूने मुझे ठाकुर तक पहुंचाया था, और फिर तुम चारों ने मिलकर मुझे भेड़ियों की तरह नोचा था। रामवती मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ के डाकू बन जाऊंगा। रामवती, मैं तेरे पांव छूता हूं। रामजादी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ, अब मैं कोठे पर नाचने वाली मासूम लड़की नहीं हूँ, डाकू रामवती हूँ। तेरी पिस्तौल खाली है, और गोलियां ये रही। देख लो गांव वालों, डाकू रामवती का कारनामा, लाशों के ढेर लगाती चली जा रही है वो। आज उसने एक नेक, शरीफ और ईमानदार पुलिस अफसर को ऐसे मारा है जैसे इंसान नहीं एक सुअर है। सुअर, हम लोगों का जीना दूभर कर दिया इस डाकू ने। अरे अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसे मार सकती है तो हम लोग भला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, और देखिए अपनी लापरवाही का नतीजा। आपको आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपने रामवती को नहीं पकड़ा, और यही कारण है कि उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, और यहां तक कि आज उसने कानून का भी सर काट कर रख दिया है। ठाकुर साहब, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसर के मरने से कानून का सर कटता नहीं, गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या? ये देखिए, इसमें लिखा है कि इंस्पेक्टर बलवंत कानून के माथे पर एक बदनुमा दाग था। इसने गांव के हर घर में कोहराम मचा रखा था। इसी ने ठाकुर के कहने पर विजय नाम के किसान को उसी की छोटी बहन के झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, और इसी ने ठाकुर की चंडाल चौकड़ी के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटी थी। तीन को तो मैं ठिकाने लगा चुकी हूं, और अब नंबर है ठाकुर जागीर सिंह का। क्या बकती हो? मैं बक नहीं रही, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रही हूँ। पढ़ना लिखना छोड़ो और ये बताओ कि तुम किस मर्ज की दवा हो, आखिर तुम कुछ करती क्यों नहीं? ठाकुर साहब, रामवती को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द इस चिंता के चंगुल से मुक्त कर दूंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। अब कानून के वादों पर भरोसा करना बेकार है, रामवती के लिए मुझे ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। भवानी सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो। हमें बेलगाम होने पर मजबूर आपने किया है सरदार, क्योंकि आप बुजदिल हैं, डरपोक हैं, कायर हैं, जंग लगी बंदूक की तरह बेकार हो चुकी हैं आप। आखिर मैंने किया क्या है? हम डाकुओं की शान ये बंदूक है जिसे आप हाथ लगाना भी भूल चुकी हैं। आप तो ये भी भूल गई सरदार कि आप डाकू क्यों बने। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
कितनी बार आपको याद दिलाऊं कि ठाकुर और उसके साथियों ने आपकी इज्जत लूटी। इंतकाम लेने के लिए आप डाकू बनी और हम सब ने आपके साथ देने की कसम खाई। आखिर तुम चाहते क्या हो? सबसे पहले उस लड़की की मौत जो आपका खून करना चाहती थी, जिसकी वजह से आप अपनी याददाश्त खो बैठी। कौन है वो? इंस्पेक्टर रजनी। इंस्पेक्टर रजनी? हाँ, और उसी ने इंस्पेक्टर बलवंत का खून किया। इंस्पेक्टर बलवंत? हाँ, इंस्पेक्टर बलवंत। आपको अपनी कसम पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर बलवंत के खून की जरूरत थी। रजनी ने वो खून बहाकर आपकी कसम का अपमान किया है। और ये भी मत भूलिए कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। आपने उसे खत्म नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। नहीं भवानी सिंह, ऐसा नहीं होगा। मैं उस रजनी को खत्म कर दूंगी जिसने मेरी कसम का अपमान किया है। मुझसे मेरा अतीत तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये गुनाह नहीं तो और क्या है? तुम उसे प्यार का इकरार करके दूर दूर रहने लगी हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? प्यार सिर्फ बेकार लोगों का काम है, और मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे और भी काम है। रजनी बेटी, बेटी ये क्या, यहाँ आते ही तू अपने माँ को भूल गई? खैरियत का एक खत भी नहीं डाला तुमने। पता नहीं दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आते थे। कभी कभी लगता था किसी डाकू या बदमाश ने तुझे मार न डाला हो। भगवान ना करे अगर ये सच होता तो मैं कभी जिंदा नहीं रह सकती थी। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी बेटी, कभी नहीं। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मैंने विजय के प्यार को तो धोखा दिया, अगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि एक माँ की ममता को धोखा दे सकूं। तो फिर तुम कौन हो? मैं डाकू रामवती हूँ। तुम रामवती हो? हाँ विजय, तुम मुझे रजनी समझकर उठा लाए और मैं भी बलवंत और ठाकुर से बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर बन गई। इस तरह से मैंने रजनी की हमशक्ल होने का पूरा पूरा फायदा उठाया। हमशक्ल? तो फिर तुम्हारे माँ बाप कौन है? होश आया तो खुद को कोठे पर पाया, जवान हुई तो ठाकुर जागीर सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली और मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। तो फिर जरूर तू मेरी बिछड़ी हुई बेटी राधा है। राधा? हाँ, रजनी तेरी जुड़वा बहन है, इसीलिए तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। नहीं नहीं, भगवान मुझसे इतना बड़ा अपराध नहीं करवा सकता। कैसा अपराध? मेरे कारण मेरी माँ की गोद उजड़ गई, मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। ये अपराध नहीं तो क्या है? और ये अपराध इसलिए हुआ कि तुमने कभी अपने दिल के कोने से अपने खून की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो तुम्हें पता लगता कि तुम्हारा इस दुनिया में और भी कोई है। रजनी! तुमने इंस्पेक्टर बलवंत का खून करके मेरी कसम का अपमान किया है और इस अपमान की सजा मौत है। तू जिंदा है बेटी? हट बुढ़िया, मैं किसी की बेटी बेटी नहीं, डाकू रामवती हूँ और इस इंस्पेक्टर से अपना हिसाब चुकाने आई हूँ। तू पागल हो गई है रजनी, जो अपने आप को डाकू समझ रही है? अरे डाकू रामवती तो मैं हूँ। यही झूठ तो तूने उस दिन भी कहा था जिस दिन मैंने चंदन सिंह का खून किया था। चंदन सिंह को तूने नहीं, मैंने मारा था। और अगर ये तेरे साथी है तो बता इसका नाम क्या है, ये कौन से गाँव का रहने वाला है, इसके खानदान पर ठाकुर ने कौन कौन से जुल्म ढाए, जवाब दे। अरे जब तू रामवती है ही नहीं तो जवाब क्या देगी? सुन, ये शर्फू है, ये मादा है सीतापुर गांव का रहने वाला, और ये इसके पूरे खानदान को ठाकुर ने जिंदा जला दिया था। बोलो भवानी सिंह, क्या तुम भी अपनी सरदार को नहीं पहचानते? अरे जब मैं गुलाबो बाई का खून करके भाग रही थी तो तुमने ही तो अपने घर में मुझे पनाह दी थी। तो सच कर रहे बेटी, हमें माफ कर दे रजनी बेटी। भूल हमसे भी हुई जो हमने तुझे अपने आप को डाकू समझने पर मजबूर कर दिया। हाँ रजनी, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ। आओ
मेरे सीने से लगकर उस प्यार का आधा हिस्सा मुझे दे दो जो तुम्हें आज तक माँ से मिला है। रजनी, रजनी, अब मरते समय मुझे ये गम नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ। ठाकुर की मौत के बाद मेरी बहन वो पहली इंस्पेक्टर होगी जो रामवती के हाथों में हथकड़ियां पहनाएगी। ये क्या रजनी, जब ये साबित हो गया है कि मैं इंस्पेक्टर रजनी हूँ तो मैं अपनी बहन को अर्जुन नहीं करने दूंगी। नहीं, जब तक मैं ठाकुर को अपने इंतकाम की कब्र में दफन नहीं कर लेती तब तक तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। चलो साथियों, रुक जाओ दीदी, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। अपना खून बहाने का इतना ही शौक है तो चलाओ गोली। मैं मर सकती हूँ लेकिन झुक नहीं सकती। रुक जाओ, रुक जाओ दीदी। जरा ये तो सोच, आज अगर उसकी जगह तू बिछड़ गई होती तो कानून की दुश्मन तू होती और कानून का फर्ज वो निभाती। वो जो हुआ वो विधाता की मर्जी थी और ये जो हो रहा है ये मेरी मर्जी है। रजनी, रजनी, माँ, तुम कब आई? पीछे रामवती कहाँ है? वो अभी अभी यहाँ से गई। हाँ बेटी, वो तेरे बचपन की बिछड़ी हुई जुड़वा बहन राधा है। वाह वाह वाह, पुलिस इंस्पेक्टर और डाकू और दोनों जुड़वा बहन। जग्गा डाकू? नहीं माँ, ये जग्गा डाकू नहीं, ठाकुर जागीर सिंह है। नहीं, ये ठाकुर जागीर सिंह पहले जग्गा डाकू था, इसी ने तेरे पिता को मार डाला था और तुम्हारी बहन की इज्जत लूटकर उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। तो तुम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की धर्म पत्नी लक्ष्मी हो। उस दिन तो बच गई लेकिन आज नहीं बचोगी। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा ठाकुर, खबरदार आगे मत बढ़ना। अरे बेवकूफ, हाथ में सुई लेकर तलवार वाले से लड़ने चला है। इन्हें बचाने रामवती जरूर आएगी और जब तक नहीं आएगी ये छम्मक छल्लो नाच गाकर हमारा दिल बहलाएगी। Thank you.
दुश्मन हूँ मैं, दुश्मन है तू, तुझे दुनिया से आज उठा दूंगी, तेरी हस्ती को आज मिटा दूंगी, दुश्मन मेरे अरमां तेरे मिट्टी में आज मिला दूंगी, तेरी हस्ती को आज मिटा दूंगी। अरे वाह वाह, रामवती ठाकुर की ठाकुराई से टक्कर लेने के लिए बड़े जोरों से आई है। अब तेरी लाश के दो टुकड़े करके इसी घोड़े पर वापस भेज दूंगा। जरा गर्दन उठा के देख, मेरे साथियों ने तेरे कुत्तों के गले में पत्ते डाल रखे हैं। बंदूक फेंक दे ठाकुर। देख लिया ठाकुर, जिन हाथों को जोड़कर मैंने तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, वही रामवती के हाथ आज तेरे लिए मौत लेकर आए हैं। मौत तेरे हाथों में नहीं रामवती, ठाकुर की ठोकरों में रह रही है।
भाग सके ठाकुर। रजनी, हट। तेरी तलाश में सारी जिंदगी एक थाने से दूसरे थाने में अपना ट्रांसफर खुद कराता रहा। राज मेरी तलाश बंद कर, सारे को ले जाके अंदर। आजा आजा, तेरी तलाश में हम बहुत भटके, अब खाते रहे ना जेल में फटके। जाता कहाँ है, नमूना तो लेता जा, ये ले। नहीं, 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 नहीं